वट इज ईगोटी मैच डूइंग रॉन्ग बहुत सारे लोग जो कि कह रहे हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को दोबारा लाया जाए बिकॉज ये जो बच ऑफ प्लेयर है इनको ईगोस्टी मैच मैनेज नहीं कर पा रहे बट लेट बी स्टॉप यू राइट देर ये जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं इनमें तुम ध्यान देना इक्कीस लोगों का डेब्यू कराया है ईगोस्टी मैच में एंड प्लीज डोंट टेल मी की मैं यहां पर ईगोस्टी मैच का साइड ले रहा हूं आई हेयर टू टॉक अबाउट बोथ दी आस्पेक्ट जो उसने चेंजेस किए हैं एंड किस वजह से हम लैक कर रहे हैं ठीक है तो अभी लास्ट मैच हुआ इंडिया प्लेड अगेंस्ट नेपाल एंड वी सॉ की वट वॉज लैक Lacking. कुछ लोग ये भी कि जी कि यार मैच शार्पनेस लैक कर रही थी नेपाल का अगेंस्ट वी वर जस्ट ट्राइंग टू क्लिक इन हम अपने रिदम में आना चाह रहे थे बट लेट मी टेल यू दैट सामने नेपाल की टीम है आर लॉट अवे फ्रॉम दी रैंकिंग ऑफ आवर्स हम लोग हंड्रेड एंड फाइव पेन लोग बहुत पीछे हमसे नॉट सेंट दैट देर आर पोअर टीम बट दे हैव ऑलवेज गिवन इस टर्न कॉम्पिटिशन टू इंडियन फुटबॉल ठीक है अगर तुम स्टार्ट जगोगे तो इंडिया हैव डिफीड दम फेर एंड स्क्र बट वन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन दे आर ऑलवेज अ फाइटिंग टीम एंड जो टीम खेल रहे थे हमारे अगेंस्ट दट वॉज एड इवन द फर्स्ट टीम ऑफ नेपाल अंडर ट्वेंटी थ्री के मेजरली प्लेयर्स खेल रहे थे ठीक है यंग प्लेयर्स खेले थे फिजिकली जिनका वोकरेट हाई होता है जिनमें जोश होता है कि उनको कुछ करना है एंड यहां पर मुझे लगता है कि इंडिया की पूरी ऑलमोस्ट फर्स्ट टीम स्क्वाड खेल

मेकिंग इंडिया प्ले इन अ प्लेइंग स्टाइल जो कि इनको सूट नहीं करता है तो भाई विल टॉक अबाउट दिस बट लेट मी टेल यू बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वन फुटबॉल इफ यू वन अट दट एप्लीकेशन इज गो डाउन इंट माई डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड दै वन फुटबॉल एप फ्रॉम अवर इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग एप टू हैव ऑन योर फोन वेर यूल हैव ऑल द लेटेस्ट डिटेल्स अबाउट द मैच दटर गोइंग ऑन द लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट इट विलेल यू वे नू टीम इज प्लेइंग इट विल गिव यू द करेंट करेंट लाइन अप एंड ऑल द न्यूज रिगार्डिंग वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल सो द बेस्ट थिंग इस दट एप्लीकेशन इज फ्री गो डाउन इन ट माई डिस्क्रिप्शन डाउनलोड दन फुटबॉल एप फ्रॉम दे तो तो भाई बात अब अब आती है कि है कि मैच को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला एंड तक ठीक लास्ट में असाइन हुआ तब से इंडिया की टीम ने उसके अंडर सोलह गेम्स खेल लिए सिर्फ तीन गेम ऐसे थे जिसमें इंडिया ने दो गोल से ज्यादा या दो गोल मारे हैं टेज नहीं, नहीं, नहीं विन तो परसंट, परसंट का विन था बिकॉजेंट इन 45 गेम्स दैट गाय मैनेज ठीक है वहां पे प्लेइंग स्टाइल का बहुत ज्यादा डिफरेंस था जिसके बारे में बात करने वाले बट लेट्स टेक अ लुक एट हिस्ट्री ऑफ इगोस्टी मैच ठीक है क्रोएशिया का प्लेयर रहा क्रोएशिया की टीम को वर्ल्ड कप से पहले तक मैनेज किया 2013 तक मैनेज किया डिफेंडर एंड यूज टू प्ले एट कैट वेस्ट हैम एंड डर्बी काउंटी जैसी टीम में खेला है तो अच्छी जगह पे खेल क्या है बंदा अच्छी टीमों को भी मैनेज किया है बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग इंडिया उसने ये बात बोली बहुत बढ़ चढ़ के कि इस सिनेरियो में इवन पेप गोडियोला एंड जोसे मोरिनो कुछ नहीं उखाड़ सकते तो भाई मैं कौन ठीक तो दैट वॉज एट वेरी मोटिवेटिंग कमिंग आउट ऑफ द मैनेजर बट हां एक बात तो है उसने बात की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की फुटबॉल को चेंज करने की इंडिया में एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी लाने की जिसके बारे में हम बात करेंगे इंडिया ने अभी खेला वर्ल्ड कप क्वालिफायर जिसमें इंडिया थर्ड पोजिशन पर आई एंड दे हैड जस्ट वन वन इन एट गेम्स सिर्फ छह गोल्स मारे थे हम ठीक है बट फेयर एंड स्क्यर वी क्वालिफाइड फॉर द थर्ड राउंड ऑफ ए एफ सी एशियन कप क्वालिफायर जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चाइना में होने वाला है एक अच्छी बात है क्वालिफायर के हमने क्वालिफाई कर बट अब कितने चांस है कि हम एशियन गेम्स में खेलेंगे भाई बहुत बहुत ही कम चांस है ठीक है तो इगोस्टी मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हर बार यही बोलता है कि हमें बेसिकली इंडिया की प्लेइंग स्टाइल को चेंज करना था एंड द रीजन आई टुक दिस जॉब वॉज बिकॉज एक चैलेंज था मेरे लिए एक जोनल मार्किंग की टीम जो एक लो ब्लॉक में खेलती है अटैक पे खेलती एक हजार गेम खेलती है उसको स्ट्रीमलाइन करना एक पोजिशन बेस्ड फ्लूड अटैकिंग फुटबॉल में दैट वॉज अ चैलेंज फॉर मी एंड दैट इज अ चैलेंज फॉर इंडियन फुटबॉल इस तरीके से इंडियन फुटबॉल ग्रो करेगा भाई मैं नहीं समझ पाता कैसे ठीक है अगर मैं मैनचेस्टर सिटी को कहूँ कि भाई तुम जाओ एंड रूट वन गेम खेलो पॉसिबल हो पाएगा एंड अभी करंटली जो प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, है, पे हैं वो एक नया मैनेजर आता है जैसे जोसे मुरुनो आ जाता है मैनचेस्टर मैंस्टर सिटी वो कहता है कि भाई रूट वन गेम खेलते हैं मैं लॉन्ग बॉल्स डालूंगा तू दौड़ एंड हेडर मार हो पाएगा नहीं पॉसिबली मे बी टाइम लगेगा बट सिटी जैसी टीम फिर भी केपेबल है साइनिंग्स कर लेगी कुछ भी कर लेगी बट नेशनल टीम में ऐसा नहीं हो पाता नेशनल टीम में होम ग्रोन ग्रोन प्लेयर्स होते हैं उनके साथ अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है बट तुम एक बात भी देखो कॉन्स्टेंटीन के टाइम से लेकर अब तक काफी सारे चेंजेस भी हुए इस नेशनल टीम में काफी नए प्लेयर्स आए हैं जैसे मैंने बताया इक्कीस प्लेयर्स का उसने डेब्यू कराया उनमें से कई प्लेयर्स है जो कि अब रेगुलर स्टार्टर हो चुके हैं, सुरेश, आकाश मिश्रा बेस्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल रिक्वायर्स प्लेयर्स टू बी हाईली टेक्निकल एंड बंदा बोलता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑन दी आई लीग ऑन दई एस एल बिकॉज ऐसा तो नहीं कि इंडियन नेशनल टीम एक अकेडमी है वो प्लेयर्स कहां से उठाती है वो आई लीग और जो लोअर लीग्स हैं और आई एस एल है उनके ही प्लेयर्स उठाती है तो जितनी अच्छी लेवल जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आई लीग्स आई एस एल एंड बाकी उतने बढ़िया प्लेयर्स सेट ऑफ निकल के हमारे लिए आएंगे बट उसने एक और बात कही उसने कहा कि यार क्योंकि आई एस एल में कोई रेलीगेशन नहीं है सो दे इज नो प्रेशर एंड प्लेयर्स पुश नहीं होते हैं अपने लिमिट्स पर तो वो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करके आते हैं दे सर्वाइव बिकॉज उनको पता है अरे हम तो रेलीगेट हो नहीं रहे हैं तो हम जो ऐसा खेलेंगे खेलेंगे ठीक है तो उसने कहा इंडिया नीड्स एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड ही वॉज थैंकफुल कि आई एक बेबी लेवल के टूर्नामेंट्स करा रहा है एंड ग्रासरूट फाउंडेशन हो रहे हैं यहाँ पे तो ये एक बात तो देखने को अच्छी है कि हाँ ठीक है इंडिया ए आई एफ एफ इज डूइंग समथिंग बट ओवरऑल अगर तुम देखो कि इज इंडिया प्रिपेयरिंग दोस्त जो कि इगोस टीम मैच के सिस्टम में फिट होते हैं लोग मुझसे कह रहे थे कि इंडिया के पास जो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं इगोस्टी मैच उनको उस तरीके से क्यों नहीं खिलाता वाई इज ही नाउ इंप्लीमेंटिंग अ टोटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले तुम अगर आ, इंडिया के पिछले गेम्स देखोगे जैसे कि मैंने देखे तो, तो वो वेरी फ्रस्ट्रेटिंग हमने बड़ी बड़ी टीमों के गेम्स खेला और इगोस्टी मैच कहता है पोजिशन बेस्ड गे, गेम हम खेल रहे हैं दर वॉज एनी पोजेशन हमने स्क्रैपी विंस ली हैं जो भी हमने विन ली हमने थाईलैंड के अगेंस्ट जीता हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट अभी टोनल जीता उसके बाद से जितने भी गेम गेम हमने खेले हैं भाई वो फ्रस्टेटिंग ड्रॉज रहे हैं ऑल यार हमने उमान के अगेंस्ट यू नो स्पिरिट दिखाया कि हम डिफेंड कर लेंगे टेन मैन होकर हमने खेला था संदेश सन साना सिंग्स एंड ऑल तो वो रिजोल्यूट डिफेंडिंग तो ठीक है बट वेन इट कम्स टू अटैक फुटबॉल हलवा नहीं है एंड वेन वेन यू आर गिविंग अप दैट काउंटर अटैकिंग वे ऑफ फुटबॉल तो भाई यू सेक्रीफाइस अ लॉट आपको टेक्निकली साउंड होना होगा एंड क्या इंडिया के प्लेयर्स केपेबल हैं टू बी साउंड एट दैट लेवल क्या वो चार साल की उम्र में फुटबॉल टच किए हैं यू कैन नॉट टीच दम टेक्निक एट ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एज वो खुद से बन के आती है आप जब चार साल पाँच साल छः साल आठ साल की उम्र से फुटबॉल को जब, जब जगल करोगे तब आपको फुटबॉल के टच का वो फील आता है ओके भाई ऐसे टच करना है बॉल को वो आपको अट्ठारह साल या बीस साल पर नहीं आएगा आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो आप वो टेक्निकलिटी वो उस तरीके का गेम आप एक कंपोजर बेस्ड एक फ्लूड फुटबॉल जिसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व हो आप वैसे नहीं खेल सकते हो ठीक है बट एक बात और है पता है कि आई ए ह्यूज फैन ऑफ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल काउंटर अटैकिंग स्टाइल का मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं बट पोजीशन बेस्ड फ्लूड अटैकिंग फुटबॉल का मैं बहुत A fan, I would like to see India play like that, but do we have the players to do that? Can we pull that? बट तुम अगर कॉन्स्टेंटीन के अंडर इस इंडियन फुटबॉल टीम को देखो तो इंडिया ने 43 गेम्स खेले हैं उसके अंडर दे विन 24 गेम्स ठीक है 13 लॉस थे एंड सिक्स ड्रॉस थे उन्होंने 75 फाइव गोल स्कोर किया था एंड यहाँ पे थोड़े से स्टार्ट से मैं बताने वाला हूँ वन पॉइंट पॉइंट्स पर गेम थे उनके एंड दे हैड वन पॉइंट गोल्स पर गेम ठीक है तो एक अच्छा रेशो था मतलब इंडिया खेलेगी तो गोल मारेगी हाँ हालांकि उनका स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा अलग था काफ़ी स्क्रैपी विन्स होती थी सेट सेड पी एनॉल कॉनक से मेजरली हम गोल मारते थे बट हम मैचेस जीतते थे फिफ्टी फाइव विन रेट था भाई कॉन्स्टेंटीन का तो हालांकि वो किसी भी तरीके से स्क्रैप इवन ले आता था, था हमारा कोई यू नो डेफिनेट नहीं होता था कि हम जीतेंगे बट इंडिया की रैंकिंग वो ऑल टाइम बेस्ट नाइनटी सिक्स पर आई थी अभी तुम देखोगे उसके जाने के बाद से वी आर ऑन हंड्रेड एंड फाइव जब असाइन uh, हुआ था स्टीम वॉज अराउंड हंड्रेड एंड वन रैंकिंग एंड चार रैंकिंग हम और गिर चुके हैं ठीक है तो जो भी है जिस भी तरीके का स्टाइल ऑफ प्ले हम यहाँ पे खेल रहे हैं आई थिंक दैट वुड इंप्रूव अगर इंडिया की गवर्नमेंट वो जो ओवरसीज ऑफ सिजन होते हैं जो ओ होते हैं उनको अलाउ कर दे ठीक है बिकॉज आर एक्सपीरियंस अच्छी लीग में खेलते हैं तो अगर इंडिया से उनको अलाउ कर देगी कि नेशनल टीम में वो खेले तो यू नो वी कुड बेनिफिट फ्रॉम द बिकॉज एक एक्सपीरियंस आ जाएगा टीम में बस ये इंडिया करती नहीं अलाओ क्योंकि वो कहती है यार कि इंडियन के होम ग्राउंड प्लेयर्स का थोड़ा थोड़ा जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाएगा एंड भाई हम भी समझ रहे हैं बट यार हम कितना पेशेंस रखें हम हर बार इंडिया का मैच ट्यूनियन करके देखना चाहते हैं एंड वी वॉन्ट टू तो सी फुटबॉल गोल स्कोर एंड हम यहाँ पे देखते, है तो देखते हैं कि इंडिया आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड देर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज दे हैवेंट गॉट दोज बंच ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे ईगोस मैच ने बोला था कि जब ए एफ सी एशियन चैंपियंस लीग में जब एफ गोवा खेल रही थी तो ही हैड अ वेरी क्लोज आई ऑन दैट टीम उसने कहा कि दैट टीम वन प्लेइंग अगेंस्ट टॉप टीम्स दे वर इंट प्लेंग वेरी गुड ठीक है लेस देन थर्टी परसेंट पोजिशन था दे ट्राई टू पे प्ले पासिंग कांड ऑफ अ गेम बट वो अच्छा नहीं खेल पा रहे थे एंड उनकी टीम में चार फॉरनर्स थे तो इंडिया की टीम को जो ग्रोथ होगा इट के नॉट हैपन ओवर नाइट ऐसे तो नहीं कल इंडिया अच्छा खेलने लग जाएगी क्योंकि आज अभी मैच है यहां पर नेपाल का तो आई डोंट नो कि कैसा खेलेगी बट क्या ट्रस्ट करे क्या प्रोसेस पे ट्रस्ट बिकॉज बहुत लॉन्ग शॉट है यार मतलब इट्स लाइक इंडियन फुटबॉल इट्स लाइक थोड़ी सी गलती एंड वी आर लाइक बैक टू स्क्वायर वन मतलब अब लोग कहें कि आप कॉन्स्टेंटिन को दोबारा लाओ यार तुम एक बात सोचो जो प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं जिस तरीके का फुटबॉल उनको सिखाया गया है इन द पास्ट टू ईयर्स टी मैच के अंडर एक नए मैनेजर को लाना एंड ऑप्शन क्या हैं कॉन्स्टेंटिन एक, एक ही ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है राइट उसको दोबारा से लाओ हम कुछ गेम्स खेलेंगे बिकॉज एशियन कप में हमें अच्छा करना है उसके अलावा भाई अभी जिस तरीके के पाथ पे हम चल चुके हैं ना तुम स्टीम ने बोला कि बाकी सारे प्लेयर्स बहुत इंप्रूव किए हैं उसने स्टैट्स थ्रो किए थे लास्ट टाइम जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उसको क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन हुई जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ उसने स्टैट्स फेंके कि हमारा पासिंग पर गेम इंप्रूव हुआ है एक्यूरेट पासिस पर गेम हमारे इंप्रूव हुए हैं प्लेयर्स के टक्चर्स इंप्रूव, इंप्रूव हुए हैं उनकी पासिंग एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है ठीक है पोजिशन स्टार्ट उसने फेंके तो ये शोए कि वो एक नए काइंड ऑफ डायरेक्शन में इंडियन फुटबॉल को ले जा रहा है बट माई फेयर इज भाई इफ दिस डजन आउट बिकॉज जितना हमने देखा इट डजन आउट जो भी हम गोल्स मारते हैं इट्स नॉट लाइक सम ब्यूटिफुल गोल्स स्क्रैपी गोल्स ही होते हैं तो ठीक है हम सबको पता है कि ये एक दिन में इफेक्टिव होने नहीं वाला है एक दिन में इसको हम मास्टर uh, नहीं कर सकते इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वट एवर स्टीमा सेड उसने कहा जो भी ये फाउंडेशन ग्रास रूट एंड बेबी लेवल के टूर्नामेंट्स असाइन हो रहे हैं जो भी आ रहे हैं इंडिया में दस से बारह साल में इट वुड स्टार्ट टू शो इट्स कलर्स तो भाई दस से बारह साल का पेशेंस रखिए इंडिया वर्ल्ड कप मैं खेलेगी नहीं खेलेगी तो आ, बहुत ही लॉन्ग शॉट है आई एस एल इंप्रूव करना होगा प्लेयर्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी एक और बात है यहाँ पे लास्टली मैं बोलना चाहूंगा कॉन्स्टेंटली ने ये सब किया इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव किए न उसके ड्यूरेशन में आई एस एल नहीं था ठीक है जस्ट अपने दम पनपते हुए स्टेजेस पे था बट उसने स्टिल बेटर किया इसके आ, अगेंस्ट स्टीमास के अगेंस्ट बट स्टीमास के पास आई एस एल का सपोर्ट है बढ़िया प्लेयर्स का सपोर्ट है I'll leave it. I'll leave the rest to you guys. So, what do you think? Let me know in the comments down below. Bye. That's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always.